इंदौर का सराफा बाजार इसी वर्ष 200 साल पूरे कर रहा है। सराफा बाजार का सबसे बड़ा दिन धनतेरस होता है। इंदौर में इसी एक दिन में 50 करोड़ के गहनों की बिक्री होती है, जो पूरे प्रदेश की बिक्री का एक तिहाई है। सोमवार सुबह से ही सराफा बाजार और बर्तन बाजार में खरीदारों का सैलाब उमड़ पड़ा। बर्तन बाजार में 3 मंजिला तक बर्तनों को मकान के रूप में सजा दिया गया है। धनतेरस को देखते हुए दुकानदारों ने बर्तनों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया है। बर्तन बाजार में कई दुकानों में बर्तनों का घर बनाया गया है। यहाँ 3 मंजिला तक बर्तन एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। बर्तन बाजार में सुबह से ही खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इंदौर के साथ ही आसपास के क्षेत्र से भी लोग बर्तन खरीदने यहाँ पहुंचे हैं। रात 12 बजे तक यहाँ आज रौनक रहेगी। 1900 में छोटे सराफे में सिर्फ 30 दुकानें थी, आज 2000 दुकानें हैं। 4 अप्रैल 1927 को सराफा एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, तब 57 सदस्य थे, अब 1000 है। एसोसिएशन के अध्यक्ष हुकुम सोनी ने बताया कि प्रदेश का सबसे बड़ा सराफा बाजार इंदौर है। परंपरा अनुसार सराफा बाजार सजा हुआ है और विशेषकर इसलिए ज़्यादा सजाया गया है कि फेस्टिवल हमने किया था 22 अक्टूबर से 2 नवंबर तक, वो पुष्प नक्षत्र और आज धनतेरस, ये 2 दिन सोना चांदी खरीदने का एक महत्व है। ऐसा कहते हैं कि एक लक्ष्मी का वास होता है घरों में, तो आज जो खरीदारी रहेगी अच्छी खासी रहेगी। सुबह जो मुहूर्त था वो करीबन 8 बजे का था, 9 बजे तक पूरा बाज़ार खुल चुका था और आज सराफा बाज़ार में सुबह से चहल पहल शुरू हो चुकी है और दोपहर के पश्चात अच्छी खासी भीड़ रहने की संभावना है। एक व्यापारी वर्ग में एक उत्साह और उमंग है कि बहुत बड़ा फेस्टिवल है और बाज़ार में ख़रीदारी अच्छी खासी हुई है और जो प्रयास एसोसिएशन ने किया था कि ग्राहकों को वापस लौटाने का, तो वो फेस्टिवल में बाज़ार में बाहर के बहुत सारे ग्राहक आए और अच्छी खासी जो उम्मीद के अनुसार हमें रिस्पांस भी मिला। पूरे प्रदेश में सोना चांदी व्यापारियों की 40,000 दुकानें हैं। इंदौर में सराफा में 2,000, पाटनीपुरा में 300 और बाकी शोरूम व अन्य क्षेत्रों की मिलाकर 2,500 दुकानें हैं। पहले जलगांव और रतलाम बड़ा नाम था, अब इंदौर का सराफा ब्रांड बन गया है।